हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश टॉप रिपोर्टर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। संजू फिल्म का ट्रेलर जब से सामने आया है तब से माधुरी को लेकर कई सवाल सामने आए हैं। पहले कहा गया कि करिश्मा तन्ना इस फिल्म में उनकी भूमिका निभा रही है, फिर हाल ही में खबर आई कि माधुरी ने डायरेक्टर से रिक्वेस्ट की है कि इस फिल्म में उनकी सीन्स हटा दिए जाएँ। वैसे दोनों की लव स्टोरी से हर कोई वाकिफ है, लेकिन क्या आप जानते हैं संजय दत्त ने माधुरी के लिए आत्महत्या करने की कोशिश की थी। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल मुंबई बम ब्लास्ट के मामले में अचानक 20 अप्रैल 1993 को संजय दत्त को मिली अंतिम जमानत रद्द कर 14 दिन के लिए रिमांड पर उन्हें जेल भेज दिया गया। और उस वक्त संजय और माधुरी एक दूसरे के प्यार में दीवाने थे, शादी तक बात पहुंच चुकी थी, लेकिन जेल में संजय दत्त को अपने माँ बाप से ज़्यादा किसी की याद आती थी, वो थी उनकी दिलरुपा माधुरी। कहा जाता है जब उनके दोस्त उनसे जेल में मिलने आते थे तो बस वह माधुरी के बारे में पूछा करते थे। उन्हें उम्मीद थी कि माधुरी उनसे मिलने जेल में ज़रूर आएगी, लेकिन माधुरी ने एक बार भी जेल में संजू बाबा से ना ही मिलने आई और ना ही कोई मैसेज किया। लेकिन संजय ने हार नहीं मानी और एक अधिकारी की मदद से माधुरी को फ़ोन किया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने संजय बाबा को हिला कर रख दिया। दरअसल माधुरी ने संजय की आवाज़ सुनी तो तुरंत ही फ़ोन काट दिया, लेकिन उनकी बहन प्रिया दत्त उनसे मिलने आई तो संजय ने उन्हें माधुरी से जाकर मिलने को कहा, लेकिन माधुरी और उनके परिवार ने एक ना सुनी। इस बात से संजय के दिल के कई टुकड़े हो गए और एक दिन उन्होंने जेल के अंदर ही अपना सर पटकना शुरू कर दिया। खून से लथपथ संजय को जेल के अधिकारी ने हॉस्पिटल पहुँचाया था। संजय की हालत उनकी बहन नहीं देख पा रही थी और माधुरी के पास जा पहुंची, लेकिन माधुरी ने वहां प्रिया को सलाह दी कि संजू को कहो कि मुझे भूल जाए। यही नहीं, माधुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर यह कहा कि उनकी और संजय की कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसके बाद माधुरी के परिवार वालों ने उन्हें अमेरिका भेज दिया। हमारी यह स्टोरी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।